हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू डाउट सेशंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आप लोगों ने मेरे को एमसीक्यूज जो भेजे थे उसके मैं सारे कुछ सारे करा रहा हूँ आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपके एडिशंस अलग हैं तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी मेरे को भी क्वेश्चन ढूंढने में, और आप लोगों को भी आएगी। ठीक है, तो आप लोग अभी क्वेश्चन सिर्फ सुनोगे और लिखना मत, मैं लिखवा नहीं रहा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ और आप लोगों को समझ आ जाएगा, और आप लोग फिर बुक में ढूंढ लेना कहाँ पे होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट इन कॉजिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्यूशन। राइट, आर्सेनियस सल्फाइड होता है As2S3। राइट, और ये हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर नाम भी पता होता हमें पता होना चाहिए ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इसको कोएगुलेट करवाने के लिए कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? हमारे पास ऑप्शन है KCl, NaCl2, K3, FeCl6। ये बच्चे का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसकी जो नेमिंग है वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगी डी एंड एफ के बाद वाला चैप्टर। ठीक है, अगर जिसका नाम होता है पोटेशियम Hexacyanophyrate 3। ठीक है, हमें नेमिंग नहीं करनी, अगले चैप्टर में आएगी, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें फोर्थ ऑप्शन था AlCl3। ठीक है, अब ये इसके कौन सा सोल है? इट्स अ नेगेटिवली चार्ज सोल। नेगेटिव चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज सोल है ना, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सोनी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो एक्टिव आयन कौन सा है इसमें? के पॉजिटिव, उसमें Md2 पॉजिटिव, नीचे K पॉजिटिव है, और लास्ट में Al3 पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं कि Al3 पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज्यादा, एंड अकॉर्डिंग टू हार्डिक्स रूल ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हिच इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन इसमें है K2SO4, K3FeCN6, KCl, K2CO3। देखो, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए नेगेटिव जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चार्ज चाहिए? एक्टिव आयन कौन सा होगा जिसके नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सल्फेट है मेरे पास SO4-2 नेगेटिव, उसके बाद है ये K3FeCN6, इस पे चार्ज क्या आएगा? 3 नेगेटिव। उसके बाद क्या हमारे पास? CN नेगेटिव, एंड देन इज कार्बोनेट आयन। क्लियर, इस पे हमारे पास ये आ जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इस पे FeCN6, 3 नेगेटिव। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl, क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सोल इन द प्रेजेंस ऑफ 0.0250। ग्राम स्टार्च, और हमसे वो क्या पूछ रहा है? गोल्ड नंबर। ठीक है, वो कहता है इस जब हमने ये डाला तो कोएगुलेशन जस्ट प्रिवेंट हो गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? गोल्ड नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन याद करो, इसका आंसर मिल जाएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव लाइट रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम्स to just prevent the coagulation of 10 ml of gold. So, kab? When 1 ml of 10% NaCl solution is added to it, na? So, according to definition, सारा कुछ सही है। यहाँ पे ग्राम की जगह मिलीग्राम की जगह ग्राम है, इसको मिलीग्राम में चेंज कर दो। 25 आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद एलम प्योरीफाई मडी वाटर बाय, एलम मडी वाटर को कैसे प्योरीफाई करता है? एलम कैसे करता है? कोएगुलेट करवा के, जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको कोएगुलेट करवाता है, फिर उसको हम फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू, सारे क्वेश्चन काफी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, है ना। चलो, अच्छा है, आप लोग हिम्मत करके क्वेश्चंस तो करते हो,
और भेजूंगा, बोलूंगा आगे की करने वाले वो भी कर लेना, ठीक है, उसके डाउट्स भी देना, हम करेंगे, ठीक है। डाउट्स आएंगे, इस बार टोटल डाउट्स थे 27, अगले साल हो सकता है 35 हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए फायदा है। आगे क्या है, ब्लू कलर ऑफ वाटर इज वाटरिंग सीरीज ड्यू टू, ब्लू कलर क्यों होता है, स्कैटरिंग के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इम्प्योरिटीज इन सी वाटर, राइट। ठीक है, तो उसके कारण भी स्काई का भी इसी कारण भी होता है, ब्लू कलर स्कैटर द मोस्ट, राइट। और हमने सन का भी डिस्कस किया था, सन का रेड कलर भी होता है क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर से आती है, जब हम हॉरिजन पे होता है तो डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो सिर्फ रेड लाइट ही पहुंच पाती है हमारी आइज तक, ठीक है, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडजेप्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज, ठीक है, मैं सिर्फ जो सही अच्छे वो डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हो। सेकंड ऑप्शन था इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, बिल्कुल गलत। और उसके बाद एडसॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट, हीट प्रोड्यूस करता लेकिन उससे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, एडसॉर्प्शन से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, दिस इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट्स इज फॉल्स, जियोलाइट्स का ये जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन, ठीक है, जियोलाइट्स का क्वेश्चन बच्चे, ये जो क्वेश्चन सारे मैं जो डाउट्स में करवा रहा हूँ ना, ये मेरे को रिटर्न में चाहिए, ठीक है, मेहनत की है, मेहनत करनी है आपको भी, ठीक है। इसका सी ऑप्शन है, सम ऑफ SiO4 नेगेटिव यूनिट्स आर रिप्लेस बाय Al4 3 नेगेटिव यूनिट्स, ठीक है, और ये इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, आपको इसका स्ट्रक्चर अगर पीछे बनाना चाहते हो बना सकते हो, ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग फॉर मिसल्स, मिसल कौन बनाएगा, मिसल वो बनाएगा जिसमें एक पोलर पार्ट हो एक नॉन पोलर पार्ट हो, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, नॉन पोलर, यूरिया क्या होता है, नॉन पोलर। उसके बाद है पिरिडिनियम क्लोराइड, पिरिडिनियम क्लोराइड देखो क्या होता है, ये रिंग भी बना सकते हो आपको पता है, ठीक है, ऑल्टरनेट बेस पे डबल बॉन्ड बना सकते हो, ये होता है पिरिडिनियम क्लोराइड, ठीक है, C6H5N पिरिडिन और साथ में HCl का टैग होता है, ठीक है, HCl इधर लोन पे इसको दे देगा H को, ठीक है, HS, मैं आपको समझाता हूँ, H पॉजिटिव है ना, ये लोन पे दे देगा इसको, ठीक है, ये बन जाएगा इसका जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये भी मिसल नहीं बनाएगा, क्लियर होते हैं। मिसल के लिए लीनियर चेंज चाहिए, ये मिसल फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, तो इसमें करेगा कौन, फिर ए बचा, ठीक है, ए करेगा। द लैंगमर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज रिड्यूस्ड यूजिंग द अजम्पशन The adsorb molecules interact with each other. The adsorption takes place in multilayers. गलत। Adsorption multilayers में नहीं होती। Chemical adsorption नहीं हो पाती है ना। The adsorption sites are equivalent in their ability to adsorb the particles. ठीक है। Adsorption sites होती हैं हर एक के लिए equivalent होती हैं। कोई भी particle आके adsorb हो सकता है। ठीक है जी। Next। आगे है। If X is the amount of adsorbent and M is the amount of adsorbent, तो उसके according वो कहता है ये relation बताओ। हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, हमने पढ़ा है, ये है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर भी होता है ना, प्रेशर वर्सेस एक्स बाय एम, तो ठीक है एक्स बाय एम प्रोपोर्शनल टू पी होता है, ठीक है, पता लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स बाय एम इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, बिल्कुल सही। एक्स बाय एम इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी सही है। एक्स बाय एम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, और केमिकल मैंने आपको बताया था ये पी मैंने लिखा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, और केमिकल पहले बढ़ती है बिल्कुल, ठीक है बच्चे, तो मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, प्रेशर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर चेंज होता है, ठीक है,
चलो उसके बाद लास्ट पॉइंट गलत है, एम बाई एक्स इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चे इसकी मेरी बुक के अकॉर्डिंग, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडर सिस्टम मूव टुवर्ड द थ्रोट, द कोएगुलेशन ऑफ द सेम सोल इज स्टडीड यूजिंग K2SO4 NH3, सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं इसको, NH3PO4, ठीक है। और उसके बाद है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और NaCl, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है कि सोल पे चार्ज होती है। इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, पीछे हमने कोएगुलेशन का क्वेश्चन किया था आयंस वाला, जिसमें हार्ड इश्यूज रूल लगा था, उसमें आपको जो सोल था वो गिवन था, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, इसमें गिवन नहीं है, इसमें आपको खुद पता करना है। वो कैसे पता होगा, वो पता होगा उसमें बताया होगा कैथोड पे जा रहा है, वो कैथोड पे कौन जाता है सोच, कैथोड पे कौन जाता है बच्चे, कैथोड पे जाता है कौन, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कैथोड पे, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो इफेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। K फॉर FeCN6 पे 4 नेगेटिव चार्ज है, FeCN6 पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड द फ्रेंडलीनेस एडसॉर्प्शन सॉरी फ्रेंडलीज आइसोथर्म इज ऑबेड, द स्लोप ऑफ द प्लॉट इज जीरो, वो कहता है स्लोप जीरो है, तो ठीक है भाई स्लोप जीरो भी होती है, यहाँ पे स्लोप जीरो, एक्चुअली आई एम प्रपोजिंग टू पी दिवा जीरो, आपको पता है इसके तीन केस है, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट, हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय एडसॉर्प्शन, इसके सारे पॉइंट पढ़ना, सब में आपको दिखेगा कि जैसे हमने बताया था एनिमल चार्ज को शेप करते हैं तो जो कलर होता है वो उसका एडसॉर्ब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था। लेकिन देखो इसमें पॉइंट है हमारे पास, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, बिल्कुल ये भी एडसॉर्प्शन की एग्जाम्पल है, और ये एडसॉर्प्शन की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH अटेन्स पिंक कलर विद द ड्रॉप ऑफ फिनोल फ्लोरीन, इसमें एडसॉर्प्शन नहीं है, ठीक है, तो यह आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, वेरी नाइस क्वेश्चन, एंजाइम्स कितने पे टेम्परेचर पे काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर 37 पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, एंजाइम्स आर नॉर्मली हाइड्रोजीनस कैटलिस्ट, गलत, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आएगा, ठीक है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, That cannot be poisoned, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। Enzyme is specific biological catalyst that possesses well-defined active sites. Well-defined active sites होती है, ठीक है। Poison उसको हम कर सकते हैं, उसकी activity को slow कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। Next question. Volume of collider particle VC as compared to the volume of a solution solute particle in a true solution, volume of a collider particle, volume of collider particle, volume of true solution, ठीक है। तो इसकी हमें रेशियो निकालनी है VC to VS की, आपको पता है, ठीक है, इसकी जो डायमीटर साइज की जो रेंज होती है कोलाइडर पार्टिकल की क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ लोअर लिमिट है 10 एंगस्ट्रॉम में अगर कर लूँ, ठीक है। इसी तरह ट्रू सॉल्यूशन की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर नहीं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका साइज वेरी करता है 1 to 10 एंगस्ट्रॉम लेके चलते हैं डायमीटर नॉर्मली, इसकी लोअर लिमिट ये, ठीक है, और कोलाइडर की लोअर लिमिट ये, उसके बाद कुछ नहीं करना, 4π3 IRQ
फोर बाय थ्री पाई आर क्यू बी सी बी एस कितने का डिफरेंस आया, 10 की पावर 3 है, इसकी लोअर लिमिट ये, इसकी लोअर लिमिट 1, 10 की पावर 3 क्यूब का डिफरेंस आया, 10 की पावर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी सी बाई बी एस इक्वल टू 10 की पावर 3, इसको एक बार करके देखना अच्छे से, नहीं समझ आया मैंने पूछ देना। उसके बाद चलो फॉर्मिंग इलेक्ट्रोलाइट है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू फॉर पेरीहाइड्रोक्साइड, पेरीहाइड्रोक्साइड के लिए फ्लक्चुएशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर, ये चीजें समझ आनी चाहिए, मैंने जब प्रैक्टिस कराया था बहुत अच्छे से समझाया था, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ठीक है, जिसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी ठीक है, इसका मतलब उसकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या है, कम कम चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेट करवाने के लिए, है ना, देखते हैं इसमें क्या करना है, वो कह रहा है मैक्सिमम इसकी होगी फ्लक्चुएशन वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू मैक्सिमम मतलब कि कोएगुलेटिंग पावर मिनिमम, और ये चार कौन सा पॉजिटिव, तो आप लोग नेगेटिव चार्ज देखोगे जिसके ऊपर चार्ज सबसे कम होगा ठीक है, K2SO4 सल्फेट पे प्लस टू माइनस टू, अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फेट पे माइनस थ्री, NaCl में Cl पे माइनस वन, और Na2S में सल्फर पे माइनस टू, तो माइनस वन चार्ज इस पे है सिर्फ क्लोरीन, तो क्लोरीन शुड बी द राइट आंसर ठीक है ना, इसका आंसर हमारे पास आता है दैट इज डी राइट। उसके बाद इन लैंगमर मॉडल ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस क्या होता है, उसमें द एडसॉर्प्शन एट अ सिंगल साइड ऑन द सरफेस मे इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम, द मास ऑफ गैस टैंकिंग अ गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, बिल्कुल जितना जितना प्रेशर रखोगे, जितना प्रेशर हाई करोगे तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगी, है ना, तो वही वो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, मैं अगले वाले पॉइंट नहीं पढ़ रहा, डिसोसिएशन वगैरह पे कुछ नहीं डिपेंड करता, वो दूसरे पॉइंट गलत है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन आता है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजीज ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, ठीक है मैं सीधा आंसर पढ़ रहा हूँ, बाकी के पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट अकर्स बिकॉज ऑफ अंडर फोर्सेस, फिजिकल एडसॉर्प्शन अंडर फोर्सेस से होती है, बिल्कुल सही, मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेस आर एडसॉर्ब रेडली, जो इजली लिक्विफाइबल होती है वो गैसेज इजली एडसॉर्ब होती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, बिल्कुल सही, फिजिकल एडसॉर्प्शन मल्टी लेयर होती है, केमिकल नहीं होती ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, लो होती है लेकिन पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव होती है ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स बाय एम प्रोपोर्शनल टू पी, x by m proportional to p to the power 1, x by m proportional to p to the power 1 by m, x by m independent of pressure, ये तीनों सही है ठीक है, all three are correct। Next, the correlating power of electrolytes having ions Na positive, Al3 positive and Ba2 positive for आर्सेनिक सल्फाइड सोल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, Al3 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Ba2 पॉजिटिव, क्या क्या है इधर देखता हूं, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, ठीक है जी, फॉर आर्सेनियम सल्फाइड, फॉर आर्सेनियम सल्फाइड क्वेश्चन में ट्रिक यूज हो रहा है As2S3, वो कहता है इसको कोएगुलेट करवाना है, इसको नेगेटिव चार्ज को कोएगुलेट करवाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो होगा इलेक्ट्रोलाइट पे, है ना, वो होगा एक्टिव है, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर वन सबसे ज्यादा 2 पे A3 पे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आगे ये क्वेश्चन अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है कितने ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया, 3 ग्राम ठीक है, और करना क्या है,
वॉज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन. 50 ml एसिटिक एसिड सोल्यूशन में डाला उसको, जिसकी मोलैरिटी 0.06 नॉर्मल. ठीक है, एसिटिक एसिड की नॉर्मलिटी कितनी? 0.06 नॉर्मल. तो वो कहता है कुछ देर के बाद इसकी नॉर्मलिटी ड्रॉप हो जाती है 0.04, इतनी हो जाती है. ठीक है, तो कितने मोल्स एसिटिक एसिड के या कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब होगी, माइनस कर लो सीधा डायरेक्ट. ठीक है, कितना आ गया? 0.018 नॉर्मल. नॉर्मल लिखूं या मोलर लिखूं कोई फर्क नहीं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम. ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है? 1. उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना दिया है? 50 × 1000. ठीक है, 0.018, इसको मैं 18 लिखूं, 18 × 10⁻³ × 50 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू m. ठीक है, क्या आ गया? 10 ये कैंसिल, 100 को मत काट लो इसके साथ, 18 × 5 = 90 लिखो, 19 × 10⁻³ × 10⁻², इक्वल्स टू m. ठीक है, यानी कि 9 × 10⁻⁴ मोल्स, इतने मोल्स एब्जॉर्ब हो गए. हमें मोल्स क्यों निकालने हैं? हमें निकालना है ग्राम, वेट इन ग्राम. एम वी नो मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास. मोलर मास कितना एसिटिक एसिड का? 60. तो 9 × 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ये आ जाएगा उसे गिवन वेट. 69 = 54. 54 × 10⁻⁴ डाल दिया. ठीक है, 54 mg गिवन वेट. ठीक है, चाहिए था आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन क्लोराइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस. कौन सी इलेक्ट्रोडायलिसिस के साथ कौन सी इंप्योरिटीज नहीं निकाल सकते? वो इंप्योरिटी नहीं निकाल सकते जो आयनिक नहीं है. इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, प्लेट्स होंगी. तो जो न्यूट्रल होगा नॉन पोलर होगा नहीं होगा. इसमें देखो, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड आयनिक है, पोटेशियम सल्फेट आयनिक है, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक है, यूरिया इज अ नॉन पोलर. ठीक है, तो यूरिया आ जाएगा आंसर. डी ई ऑप्शन भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो भी क्या है? आयनिक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयन दैट इज मोर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन नेगेटिव. सो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज करेक्ट अबाउट फिजिकल ऑप्शन. फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए क्या सही है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर एडसॉर्प्शन. हाई टेम्परेचर तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस. ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर ये नहीं करेगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर करेगा. ठीक है, लो टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम होगी, और हाई प्रेशर करेंगे तो वो एडसॉर्ब हो जाएगा. ठीक है बच्चे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन. क्लियर. उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, नेगेटिवली चार्ज सोल ऑफ क्ले इन वाटर विल नीड फॉर प्रेसिपिटेशन द मिनिमम अमाउंट ऑफ. नेगेटिवली चार्ज सोल को कौन सा चाहिए पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज देखना. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अ लायोमोबिक क्लाइड इज ड्यू टू चार्ज होता है उस पे. ठीक है, आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन की, कैपिटलाइजेशन में क्या पढ़ा है? भूल गए हो चैप्टर सारा. तो यही तो है स्टेबिलिटी का रीजन. ठीक है, पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, पार्टिकल ऊपर चार्ज होता है जो एक दूसरे को दूर रखता है. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फिर से कोएगुलेशन पे भेजा है. उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी कोएगुलेशन पे भेजा है, सेम क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रहा. ठीक है, ये हमारे हो गए क्वेश्चन. अब दो चार क्वेश्चन और लेते हैं. तो इधर से हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल. ठीक है, गोल्ड सोल पे चार्ज दे लो, चार्ज के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा. पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए कौन सा नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा, तो इसका आंसर वही आ जाएगा, K फॉर FeCN6. क्लियर. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म मिसल.
सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट आपको पता है किसे बनाता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट ये भी बनाता है, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ये भी बनाता है, सोडियम बेंजोएट नहीं बनाता, सोडियम बेंजोएट जो होता है थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, आयनिक रहता है, स्टेबल होता है, इतना बल्कि नहीं है कि आपस में जुड़ सके, क्लियर। इनके स्ट्रक्चर सर्च करना नेट पे और स्ट्रक्चर साथ में बनाना, आप क्वेश्चन करोगे सारे। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल देता हूँ, C13 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, C13 कोएगुलेशन पे बेस्ड था, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज सोल होगा उसको कोएगुलेट करवाना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मिसल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये मैंने बता दिया क्वेश्चन। उसके बाद C29 ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, कोएगुलेशन होती है, ठीक है। एंड C50 4% सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको पता है नाइट्रोसेलुलोज है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ठीक है बच्चे। ये थे आपके डाउट्स सारे, इसमें अगर अभी भी डाउट है तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है, और इसके बाद हम एक लेक्चर और रहता है आपका एफ फ्लो का, वो